माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कल के क्लास में संत पापा के द्वारा 18 दिसंबर को फिदुसिया सुप्लिकेंस नाम का एक दस्तावेज, उसके द्वारा पुरोहितों को कुछ ब्लेसिंग्स देने के विषय में, उसमें एक है जो गे मैरिज, जो पुरुष पुरुष के साथ स्त्री स्त्री के साथ जो जीवन जी रहा है, कई कंट्रीज में उसको मैरिज भी घोषित किया है, मैरिज कर सकता है, लेकिन हमारे भारत देश में उसको विवाह नहीं मानते हैं और ऐसा रहना अनुमति नहीं है। तो ऐसे लोगों को ब्लेसिंग देने के विषय में इस फिदुसिया सुप्लिकेंट नामक का जो दस्तावेज निकला है, डिकास्ट्री फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ, ये जो कॉन्ग्रीगेशन है इसके द्वारा रोम से निकाला गया है। कल के क्लास के अंदर मैंने कहा था ये जो कॉन्ग्रीगेशन जो डिकास्ट्री है, उसका एक एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें कार्डिनल से है, बिशप से है, प्रीस्ट है, जो कैनल लॉ में जो डिग्री है, मास्टर्स है, और थियोलॉजियन से है, उसमें ले पर्सन्स भी हो सकता है। और आजकल इस डिकास्ट्री के जो प्रीफेक्ट है, कार्डिनल प्रीफेक्ट है विक्टर मैनुअल फर्नांडस जो अर्जेंटीना का, और उन्हीं के द्वारा ही 45 पॉइंट्स का पैराग्राफ का ये फिदुसिया सुप्लिकेंस निकाला है। उसको मैंने कल के क्लास में बोला था चार भाग है। पहला इंट्रोडक्शन का पार्ट है, दूसरा विविध रूप का जो ब्लेसिंग्स उसके विषय में है, और जरूरतमंद पापी लोगों को जो ब्लेसिंग देने के विषय में तीसरा भाग, और कंक्लूशन में चौथा भाग हम लोग कल का क्लास के अंदर मनन चिंतन किया था। तब मैंने बोला था ये होमोसेक्सुअलिटी के विषय में हमें और थोड़ा जानने की जरूरत है। 22 दिसंबर को भी मैंने इसके विषय में एक क्लास डाला था, क्योंकि मेरे पास भी अनेकों ऐसा केसेस आ रहा है, कई लोग काउंसलिंग कर रहा है इस प्रकार का गलत रिश्ते के विषय में, विशेषकर जो मेरे इन क्लासों को देख करके कई लोग उनके बचपन के कई कहानियां, और कुछ लोग इस प्रकार का पाप में आज भी जी रहा है, ऐसे लोग ऐसे ऐसे लोग बातें किए हैं। और मैं अनेकों वर्षों से ऐसे लोगों से बातचीत किया है, काउंसलिंग के लिए कई लोग आते हैं, विशेषकर जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे लोग, जो युवक या बच्चे, उनके जीवन में जो पाप का जो छाया देख करके पाप में जीवन जी रहा है, गलत रिश्ते में है, बचपन से ही नशा, बचपन से ही माता पिता की कहना नहीं मानते हैं, घर के बाहर रहते हैं, और पढ़ाई के नाम से अपने घर को छोड़ करके हॉस्टल में या अन्य सिटियों में जो रह रहा है,
ऐसे बच्चों से जब बातें किया है तब पता चला है बहुत लोग इस प्रकार का होमोसेक्सुअलिटी के गुलाम बनकर के रह रहा है। बातचीत से पता चलता है किसी ऐसा एक गलत व्यक्ति वो अनेकों के साथ इस प्रकार रास्ता जोड़ता है। वो एक से कुछ नहीं होता है। जैसे वैवाहिक जीवन में हम लोग विवाह तक अपने को पवित्र रख करके एक वैवाहिक जीवन में जीते हैं, प्रवेश करते हैं और जीवन के अंत तक अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी के साथ जीवन जी रहा है, लेकिन इस प्रकार के जो होमोसेक्स लोगों का हाल ही में कुछ महीना हो चुका है, मैंने एक टीवी प्रोग्राम देख रहा था इसी लोगों का, और उस टीवी चैनल वाला मुझे ऐसा लग रहा था इस चीज को प्रमोट भी कर रहा है। हाँ, एक कमजोरी, एक बीमारी है, ऐसे लोगों को भी जीना, उनको आजादी मिलना चाहिए। इस प्रकार ये जो चैनल चलाने वाला व्यक्ति वो भी बोल रहे थे, तो उसके अंदर कई इस प्रकार का जोड़ा आया हुआ था। लड़कियों की जोड़ा भी है, लड़कों का जोड़ा भी है। तो उनसे बातचीत में मुझे ये देखने के लिए मिला है कई ऐसा जोड़ा है वो कई लोगों को बदल चुका है। एक ने कहा, मेरा जो पिछले जो साथी है अभी शादीशुदा है, वो शादी कर करके जीवन जी रहा है, उनका बच्चे भी है। इसका मतलब उस व्यक्ति को स्त्री के साथ आकर्षण था तब भी इस पाप में बंद था। और ऐसे अनेकों लोगों से मेरा बातचीत हुआ है, ऐसा गलत संबंध में रहा, पाप स्वीकार कर छोड़ दिया है, अभी वैवाहिक जीवन जी रहा है। और ऐसे भी लोग मिला है अभी भी उसी बंधन में है और कहते हैं मुझे स्त्री की ओर आकर्षण नहीं है, मुझे पुरुष लोगों की ओर आकर्षण है। इसका क्या कारण है? इसके ऊपर मेडिकल साइंस बहुत रिसर्च कर चुका है, मुझे पढ़ने के लिए मिला, आप भी पढ़ सकते हैं। इसके ऊपर मेडिकल साइंस डॉक्टर्स, साइंटिस्ट बहुत रिसर्च कर चुके हैं, क्यों पुरुष पुरुष को और आकर्षित हो रहा है, क्यों स्त्री स्त्री की ओर आकर्षित हो रहा है, उनका हॉर्मोन्स का, उनका हॉर्मोन्स ही तो आकर्षण का कारण है। तो हॉर्मोन्स सबका स्टडी किया, आज तक किसी साइंटिस्ट या किसी साइंस ने यह नहीं बताया कि किसी पुरुष में ये फलाना हार्मोन के कारण ऐसा आकर्षण हो रहा है या एक बीमारी है करके, नहीं है। मुझे पढ़ने के लिए मिला है, कई लोग, कई जगहों पर संवाद भी मैंने इसके ऊपर सुना, ये एक बीमारी नहीं है करके ये बताया जाता है। दूसरी बात, इसको और गहराई से अगर समझना है, जितना मैंने इसे पूर्व में भी एक दो उदाहरण किसी क्लास में मैंने बताया था, एक ऐसा घटना के विषय में भी मैंने एक क्लास लिया था, एक स्कूल का, 9th class का मैं बोल रहा हूं क्योंकि करीब 15 वर्ष पहले का है घटना है, 15 वर्ष से ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में, करीब 18 वर्ष के पहले का घटना है क्योंकि 2023 आ गया। जी हाँ, 18 वर्ष करीब हुआ। एक जगह पर मैं एक प्रेयर सेंटर में प्रार्थना के लिए गया, वहां पर वहां के पास का स्कूल का एक टीचर ने 9th class का एक लड़के को लेकर के मेरे पास आया काउंसलिंग करने के लिए। सुबह की बात है, क्योंकि वहां पर जो असेंबली के समय पर ही क्लास टीचर को पता चला किसी झगड़ा, बच्चों का बीच में झगड़ा हुआ, बात किया, तो वो जो लड़का लेकर के आया है उसको किसी अन्य लड़के के साथ ऐसा दोस्ती है, लेकिन वो लड़का ये पसंद नहीं कर रहा है।
और इस लड़के को मेरे पास छोड़ा, स्कूल छूटने तक मेरे पास रहा। स्कूल छूटने के समय पर मैंने उनको फिर स्कूल में भेजा था। तब तक सुबह से लेकर के इतना समय तक हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं कई चीजें उससे पूछने लगा, समझाने लगा इस प्रकार, और बहुत कुछ उन्हें बता करके भी दिया था। और कुछ वर्ष के बाद वो बेटा मुझे कहीं सिटी में मिला, और उसके साथ उस समय पर एक दोस्त भी था। मैंने सोचा ऐसा कुछ गलत होगा, और वो दोस्त को मेरा परिचय दे करके, मेरे जीवन बचाने वाला यही है ऐसा ऐसा बोल करके दिया। और उसने बोला मैं उसी समय पर उस पाप से, उस बंधन से छुटकारा पाया। वो क्रिश्चियन भी नहीं है लड़का, और उनका माता पिता इसके इस आदत को देख करके डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकेट्रिशियन के पास सब लेकर के गया। अनेकों बार उनका काउंसलिंग करवाया। डॉक्टर्स इस बेटे के सामने ही माता पिताओं को बोला ये एक प्रकार का बीमारी है, अमेरिका वगैरह में उनका मैरिज भी होता है, हाँ ऐसा रहने दो इस प्रकार। अर्थात एक प्रकार डॉक्टर के द्वारा स्टाम्प भी लगा करके दिया। इसलिए वो बेटा मेरे से बार बार बोल रहा था मेरे एक बीमारी है, मेरा हार्मोन ऐसा है, इसी वजह से डॉक्टर ने बोला बोल करके। लेकिन मैं अड़ी रहा उस बच्चे का जीवन को परखते, आखिर में मैं फाइंड आउट किया ये जब छोटा बच्चा था, इनके घर में इनके ही रिलेटिव आता था, इस बच्चे के साथ सोता था एक ही बेड में, इस बच्चे के साथ दुरुपयोग करता था, ये सब ये बेटा ने उसको कबूल किया। मैंने उस बच्चे को उससे निकालने के लिए, उस अनुभव से निकालने का प्रयत्न ही पूरा दिन किया था, और बेटा सचमुच में बाहर निकला और मैंने मिला है उस बच्चे से। ये हमें एक सबक दिखाते हैं। और इसी प्रकार अनेकों घटना मुझे मालूम है, बचपन में किसी न किसी दोस्त, ऐसे ऐसे जो लोग गलत बातें बताना, गलत वीडियो दिखाना, ऐसे ऐसे गलत पुरुष के साथ, जानवर के साथ जो ऐसे ऐसा गंदी वीडियो दिखाया, गंदी हरकतें किया, गंदी स्पर्श किया, इस प्रकार का एक पाप किसी के जीवन में पहुंचा, चाहे वो वीडियो दे करके, चाहे किसी के बातें सुन करके या देख करके, कुछ ऐसा पाप विचार अंदर गया, वो ऐसा करने का जब अवसर मिला वो उसका उपयोग कर रहा है। सीधी सी बात, कुछ लोगों का ये भी है, उसका आकर्षण ऑपोजिट सेक्स से भी है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है, मौका मिला सेम सेक्स वालों का, इसलिए ऐसा चल रहा है। एक और कारण मुझे, जो डॉक्टर्स का कहना, कई घरों में एक लड़की है, उस लड़की जन्म लिया, लेकिन उस लड़की को लड़के का ड्रेस पहना करके, उसका हेयर कटिंग हो, चाल चलन हो, सब कुछ लड़के जैसे, और उस व्यक्ति धीरे धीरे वो अपने को लड़का मानने लग जाता है, अपने मानसिक तौर पर वो लड़का स्वीकार करते हुए उसके आकर्षण फिर किसकी ओर हो गया, धीरे से लड़की से। इसका मतलब ये एक्चुअली लड़की है, वो लड़का बनकर कर रह रहा है, इसलिए वो लड़की की ओर उसका आकर्षण हुआ। हम लोग देखेगा तो लड़की लड़की के साथ, यही कई लड़की लड़कियों को लड़की के ड्रेस पहनाना, लड़की जैसे मेकअप करवाना, ये सब धीरे धीरे क्या है उनका वो जो और वो जो विचारधारा, वो लड़की जैसे उसको बनाएगा और लड़के की ओर उसका आकर्षण ज्यादा रहेगा। तो ये डॉक्टर्स का, साइंटिस्ट का कहना भी है, ये सब हो सकता है। इसका मतलब ये कोई बीमारी नहीं, हम इस प्रकार का एक बीमारी उस व्यक्ति में लेकर के दिया, इंजेक्ट किया, चाहे छोटे बचपन में हो, चाहे बड़े हो करके, या जीवन के किसी भी ऐसे अवसर पर, गलत दोस्तियों में जाकर के ऐसे ऐसे गिंदी गिंदी बातें सुन करके, उसका धीरे धीरे फिर गलत दुरुपयोग
उसके साथ होना शुरू हुआ, इस प्रकार वो उसका गुलाम बनने, आदत बनना शुरू हुआ। उदाहरण के लिए बीड़ी सिगरेट ना पीने वाला पीने वाले के साथ दोस्ती करके गया, वो बोला थोड़ा एक बार एक पफ ले लो, ऐसा कुछ बोलता है, या ना एक बार खींच लो, एक बार थोड़ा सा स्मोकिंग किया, इसके बाद वो धीरे 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 फिर उसका एडिक्ट बन जाता है। उसी प्रकार नशा दारू पीने का, पहले से थोड़ा सा टेस्टिंग किया होगा, खराब भी लगा होगा वो टेस्टिंग, इसके बाद धीरे धीरे फिर वो बढ़ा, इस प्रकार वो दरुआ बन गया। गाली देने वाला व्यक्ति, कई ऐसा व्यक्ति मिलेगा घर में भी माँ बहन का गाली दे करके बातें करने वाले, उनके लिए वो गाली जैसे नहीं है, उनको बात करने के बीच में ही है, अपने बेटी को अपने माँ को सब ऐसा गालियों के साथ बात करने वाला अनेकों लोग मिलेगा। चोरी करने वाला, हो सकता है घर से कुछ चोरी करना शुरू किया होगा, इसके बाद कई जरूरत के लिए, इसके बाद नशा करने के लिए, अन्य चीजों के लिए, फिर चोरी उसको बड़ा चोर बनाया। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के पहले ही कितने लोग बर्बाद हैं, गलत रिश्ते में, वासना का पाप में। ये भी एक आदत है लोगों को, मेरा एक बॉयफ्रेंड, मेरा एक गर्लफ्रेंड, किसी का एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है और उनका चाल चलन देख करके अन्य लोगों का भी मन में आ जाता है, मुझे भी एक गर्लफ्रेंड होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड होना चाहिए। इस प्रकार हमारे मन में इंजेक्ट करने वाले बुरी आदतें, बुरी विचार, बुरी सीख, ये होमोसेक्सुअलिटी का कारण है करके अधिकतर डॉक्टर्स एंड जो साइकेट्रिस्ट साइंटिस्ट ये सब दावा करता है। इसको एक डिजीज के समान, कोई एक ऐसा हार्मोन के कमी या इसके कारण, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग जो थर्ड जेंडर है, हाँ उनका तो क्या है, हार्मोन का डिसऑर्डर है, हार्मोन डिसऑर्डर के कारण उनको वो ऐसा एक आवश्यकता, एक आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि वो हार्मोन नहीं है उनके पास, वो एक हार्मोन का डिसऑर्डर है। ये थर्ड जेंडर नहीं है, ये पुरुष है या स्त्री है, स्त्री स्त्री के साथ या पुरुष पुरुष के साथ आकर्षण होने का पीछे का, इस प्रकार अनेकों कारण हम लोग निकाल सकता है। एक आधा उदाहरण के द्वारा मैं उसको और प्रूफ करना चाहूंगा। मान लो एक व्यक्ति चोरी छुपे में विचार कर रहा है, एक युवक युवती मान लो कहीं चोरी छुपे कहीं विचार कर रहा है, अचानक कोई वहां आ जाए, उस समय तक उनके अंदर जो वासना, जो गर्माहट था, किसी का उपस्थिति वहां होते ही, मान लो अंधकार में था, किसी ने लाइट जला दिया, मान लो एक सेकंड के अंदर उनका उस वासना खत्म हो जाता है, बुझ जाता है, वो सीधा फिर खड़े हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा। क्यों? उससे पहले तो बहुत आक्रोशित था, आक्रोश में था, गर्माहट में था, वासना में था, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति का उपस्थिति उस वासना को तुरंत कैसे बुझाया। यहां समझने के लिए एक और उदाहरण बोलना जरूरी है। स्कूल में मुझे अनुभव है इसलिए भी बोल करके दे रहा हूं, जो बच्चे टिफिन के समय पर, जो ब्रेक के समय पर टिफिन करते हैं, कई पेड़ों के नीचे बातें करते हुए इन लोग करते हैं, ऊपर कौवा आकर के उस भोजन को खराब कर देते हैं। वो बच्चा उसको भूखा था, लेकिन उसके अंदर कचरा गिरने के कारण उस रोटी को, उस खाने को फेंकता है, नहीं खा सकता है। देखो, बहुत भूख में बेटे ने टिफिन खोला, लेकिन कौवे ने उसको खराब किया, वो खा नहीं पा रहा है। क्या उसका वो भूख मिट गया उस समय पर? नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है
मैं स्कूल में काम किया हूं, ऐसे बच्चे आकर के मेरा टिफिन गया, मुझे भूख लग रहा है, मदद हेल्प मांगा है। उस बच्चे का भूख उसके द्वारा मिटता नहीं, कई ये भी देखने के लिए मिलता है अन्य दोस्त लोग मेरे थोड़ा सा खाओ बोल करके खिलाने वाला भी, क्योंकि उस वो भूख नहीं मिट रहा है। लेकिन पहले वाले जो पाप का जो भूख था, जो वासना था, लाइट जलते ही या किसी तीसरे का आगमन से ही वो मिट गया था, तुरंत मिट गया, शांत हो गया, ठंडा हो गया। ये दोनों को हमें समझने की जरूरत है। बच्चे का ये भूख शारीरिक भूख है, जरूरत है, उसको रोटी की जरूरत है, इसलिए वो भूख रह जाता है। लेकिन दूसरा जो है वासना है, जो मानसिक रीति से अपने सोच में इस प्रकार का विचार लेके आया, इसलिए वो ऐसा पाप में गिरा। बाइबल का उदाहरण ले लेता हूं। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 को पढ़ेंगे, सराक चैप्टर 6, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पर इस भाग को। मैं इससे पूर्व में भी इसी के ऊपर एक क्लास लिया था, प्रवक्ता ग्रंथ सराक चैप्टर 6, 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ बातें हमें बता कर देता है। बेड़ी या चोटी किसी भी बात में अपराध मत करो, छोटी पाप भी मत करो, बड़े पाप भी मत करो। मित्र से शत्रु मत बनो। अगला, बदनामी से लज्जा और कलंक मिलता है, यही दुम पापी का भाग्य है। वाक्य 2 से लेकर 4 तक, सांड की तरह घमंडी मत बनो। हिंदी ट्रांसलेशन में यहां सांड की तरह घमंडी मत बनो। हमारे उत्तर भारत में कैटल्स को, गाय बैलों को, सांडों को खुला छोड़ देता है। हमें मालूम है सांड किस प्रकार चलते हैं, कोई उसको भगाए तो भागेगा नहीं, वो घमंड में अखड़ करके चलता है। जिस प्रकार खुला छोड़ा हुआ सांड का स्वभाव, जो घमंड का, अहंकारी का है, इस प्रकार का स्वभाव का मत बनो, ये प्रवक्ता ग्रंथ में लिख रहा है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, डू नॉट फॉल इन द ग्रिप ऑफ डिजायर, बुरी इच्छा का जो वासना का आप वश में, ग्रिप में ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारा विनाश कर दे। सांड का स्वभाव अर्थात वासना का जिंदगी जीना, वैवाहिक जीवन के पहले ही रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता, व्यभिचार का पाप, यह आपका विनाश कर देगा। इसके बाद वाक्य 3 में क्या लिखा है, वह तुम्हारे पत्थे खाएंगे, सांड तुम्हारा पत्था खाएगा, तुम्हारा फल को तोड़ देगा और तुमको उस सूखे वृक्ष की तरह छोड़ देगा, तुम्हें सुखा देगा बोलता है। इस प्रकार का बुराई की ग्रिप में रहेगा तो, वासना में जीवन जिएगा तो, सबसे पहले तुम्हारा पत्ता हरियाला हरियालापन जो है वो नष्ट हो जाएगा, अर्थात तुम्हारे जीवन के अंदर जितने भी अच्छाइयां हैं वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा, फल तोड़ देगा। पवित्र आत्मा का 9 फल 12 फल हम लोग पढ़ते हैं। आपके अंदर कितना भी गुण है, अच्छाइयां, वो जो फल के रूप में है वो सब नष्ट हो जाएगा उसके साथ। आप एक मनुष्य नहीं जान पड़ेगा, उसी प्रकार वो जो सांड, वो जो वासना, वो जो पाप आपको बर्बाद करेगा। इसके बाद वाक्य 4 में साफ साफ लिखा है, वासना सबों का विनाश करती है और उन्हें उनके शत्रुओं के उपहास का पात्र बनाती है। यहां साफ साफ कुछ बातें हमें सिखा रहा है,
बाइबल सिखा रहा है, सांड का स्वभाव मत स्वभाव में मत आना। अर्थात हमें अपने शरीर में जो प्रभु ने जो आशीष दिया हुआ है, कौन सा आशीष है? लैंगिकता का एक आशीष है, वो एक आशीष है, अन्यथा आप थर्ड जेंडर में बन जाना था। थर्ड जेंडर नहीं, आपको मेल या फीमेल कहते हैं, स्त्री या पुरुष कहते हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु ने आपको एक आशीष दिया है, आपके शरीर में उसका हार्मोन दिया है, लैंगिकता का वो हार्मोन दिया है। लैंगिकता का हार्मोन सांड के समान जीवन जीने के लिए नहीं है। यदि आप थर्ड जेंडर का जैसे रह रहा है, आप में नहीं कर रहा है, कोई फल नहीं है उसको। आपके अंदर वो वासना है, वो जो लैंगिकता है, लेकिन उस लैंगिक आवश्यकता को आपने वश में रख करके जीवन जिएगा, इसको पवित्रता कहते हैं, इसी को पवित्रता कहते हैं। आपके अंदर वो हार्मोन है, वो आवश्यकता है, आप में वो आप सक्षम है, लेकिन उसको आप अपने वश में रखता है। एक और वचन याद आ रहा है, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र दिया है 9, उसके वाक्य 27 में संत पौलुस क्या सिखाते हैं, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं, मेरे शरीर को मैं कष्ट देता हूं, अपने शरीर में जो हार्मोन है, जो लैंगिकता है, उसको मैं कष्ट देता हूं और उसे अपने वश में रखता हूं, सांड के माफी के घूमने नहीं दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद स्वयं मैं ही टुकरा दिया जाए, प्रवचन देते देते कहीं ऐसा पाप में मैं स्वयं अगर गिरेगा तो क्या होगा। और संत पौलुस समय और साफ साफ सिखाने वाले एक बात है, रोमियों का पत्र के अंदर, वहां पर हमें सब कुछ करने का अनुमति है, हम सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां पर कहते हैं सब कुछ हमारे लिए हितकर नहीं होता। सब करने का अनुमति तो है, लेकिन सब चीजें हमारे हितकर नहीं होता है। हमें प्रभु ने एक आशीष दिया, कृपा दिया, इस लैंगिकता का अवसर भी है पाप करने का, लेकिन वो हमारे हितकर नहीं है। स्त्री और पुरुष मर्जी है, दोनों हाँ है तो पाप नहीं है, ये नहीं सिखाता है। वैवाहिक जीवन के बाहर, चाहे वैवाहिक जीवन के पहले हो या उसके अंदर रहकर के दूसरों के साथ, इस लैंगिकता का गलत लैंगिक जीवन जीना, इसको व्यभिचार का पाप ही कहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा मन में सोचना भी ये पाप है। तो हम लोगों ने देखा यदि कोई व्यक्ति सांड के माफिक अपनी इच्छाओं को छोड़ रहा है, हर एक जीवन में अवसर मिलता है पाप करने का, हर एक को मिलता है, लेकिन कोई अपने जीवन के अंत तक अपने को पवित्र रखता है, संयम बरते हुए अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखते हुए। अय्यूब का ग्रंथ दिया है 31 वाक्य 1 में अय्यूब कहते हैं, मैं अपनी आंखों के साथ समझौता करता हूं कि मैं किसी कुमारी के ऊपर नजर नहीं डालूंगा जिसे मैं पाप कर बैठूं, कुमारी के ऊपर उनके शरीर पर मैं नजर डालूंगा, मेरे मन में बुरे विचार आ सकता है, इसके द्वारा मैं पाप कर सकता हूं। इसलिए अय्यूब ने निर्णय किया, समझौता किया आंखों के साथ, मैं इस प्रकार का पाप नहीं करूंगा, अपनी आंखों को सांड के समान छोड़ना नहीं, खुला नहीं छोड़ना, बुरे गंदगी पढ़ना, गंदी फिल्म देखना, गंदी पिक्चर देखना, गंदी बातें बोलना, इस प्रकार हम अपना जो लैंगिकता को सांड के माफी खुला छोड़ेंगे, वे लोग इस प्रकार का अपराध करते हैं। और ऐसे अनेकों सांड हमारे बीच में मिलेगा, हमारे पत्ते खाने के लिए आने वाला कई सांड, हमारे फलों को खाने के लिए अनेकों सांड इस प्रकार आएगा। हो सकता है बचपन में ऐसा खा चुका है, हो सकता है आज भी किसी का खा रहा है। तो हमें आज एक निर्णय करना है, इस प्रकार के सांडों से हमें बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है।
इसलिए मैंने कहा है छोटे छोटे बच्चों को भी बर्बाद करता है। हो सकता है अपना रिश्तेदार, हो सकता है अपना नौकर, हो सकता है हमारे पड़ोसी, हो सकता है अन्य कोई भी व्यक्ति। हमें इसके विषय में बच्चों को भी सिखाना। मैंने अनेकों जगहों पर जो चर्च वगैरह में जो रेटिट दिया बच्चों के लिए विशेष इसका क्लास लेता हूं, कई जगहों पर आपको मालूम होगा, मुझे जो सुनने वाला अनेकों लोगों को मालूम होगा। मैंने अभी हाल ही में भी जो छत्तीसगढ़ में गया मैं वहां पर भी सिखाया बच्चों के लिए विशेष कर ये क्लास सिखाया, जो बैड टच एंड गुड टच, सही जो गलत जो स्पर्श, हमारे शरीर के जो पांच भाग जहां पर अन्य लोगों को हाथ लगाने का अनुमति नहीं है, ये बच्चों को सिखाना है। इसलिए मैं अनेकों जगहों पर बच्चों को सिखाता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा गलत स्पर्श कर रहा है ये बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बताना है। अपने माता पिताओं को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, किसी न किसी को बताना और उसकी घृणा करना, निंदा करना बहुत जरूरी है। और जो लोग हमारे शरीर को इस प्रकार बार बार स्पर्श करने का प्रयत्न करता है उनको अपोज करना, नो बोलना और उसके विषय में अन्य लोगों को बताना। यदि बताएंगे नहीं वो पाप हमारे अंदर पड़े रहेगा। ध्यान से सुनी, जो लोग इस प्रकार का पाप में पड़ा हुआ जो लोग है, ऐसे जो कुकर्म हुआ, स्पर्श हुआ या गलत सुन लिया या देख लिया, उसके लिए पश्चाताप नहीं किया, दोबारा ना देखने का या सुनने का निर्णय नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया, या छोटे बच्चे हैं अपने माता पिताओं को बताया नहीं, ये जो अंदर रहा हुआ था वो बढ़ गया, वो बढ़ करके इस प्रकार का समय लैंगिकता या व्यभिचार का पाप या चोरी का पाप या नशा, कोई भी ऐसा पाप है, कैसे गुलाम बन गया, जैसे नशे का एक गुलाम एक व्यक्ति बनता है, उसी प्रकार होमोसेक्सुअलिटी का, समलैंगिकता का गुलाम बन रहा है। बचपन में जन्म लेते वक्त माता पिता पीता था, इसलिए वो पियकड़ बन करके नहीं जन्म लिया, उस बच्चे ने घर में देखकर माता पिता पी रहा है या अन्य लोग पी रहा है, उसको देख करके उसको भी पीने का इच्छा आया, अन्यथा वो बच्चा कैसे। और दूसरा, वो बच्चे को यह निर्णय करने की कृपा नहीं मिला, उस बच्चे को ये गलत है करके नहीं सिखाया गया, इसको कैटेगिज्म नहीं दिया, उसको प्रार्थना नहीं सिखाया, उसको चर्च में समय समय पर नहीं लेकर के गया, ऐसे बच्चे ऐसे बुराइयों में फंसते हैं। मैं फौज में भी गया, मैं कई बार गवाही दिया जहां इस प्रकार का सारे अंधफंद, व्यभिचार का मौका, होमोसेक्सुअलिटी का मौका, गंदी फिल्म देखने के मौका, गालियां देने का मौका, दारू पीने का मौका, सब प्रकार का आजादी वहां था। लेकिन मैंने एक निर्णय किया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। एक निर्णय जीवन को बदला है। इसी प्रकार हो सकता है कुछ लोग ये निर्णय नहीं कर पाए क्योंकि उनको वो आध्यात्मिकता नहीं मिला, उनको ये अच्छाई की ओर लेके, अरे ये तो अच्छा है, मजा है, चोरी छुपे जो कुछ गलत भी काम कर रहा है वो मीठा सा लगता है, मीठा लगता है। चोरी का खाया हुआ खाना बहुत मीठा है, चोरी का पीना हुआ पिया हुआ पानी बहुत मीठी लगती है, इसलिए वो चोरी होने के कारण, मीठास के कारण उसको छोड़ा नहीं है। इसके बाद वो धीरे धीरे गुलाम बन गया। आज स्त्री की ओर आकर्षण नहीं, आज केवल पुरुष की ओर आकर्षण है, या केवल स्त्री की ओर आकर्षण है, पुरुष की ओर आकर्षण नहीं, ये बोलने का कारण है, ये धीरे धीरे आपको इसको गुलाम बनाया। आप जाइए उसका पीछे का इतिहास, कहां से शुरू हुआ, आपने देखा होगा, सुना होगा, ऐसा जीवन जिया होगा, किसी ने गलत स्पर्श किया होगा, या ऐसा जिंदगी के विषय में आपको मालूम पड़ गया तो अवसर मिला, आप ऐसा जीना शुरू किया। तो इस प्रकार के इस गुलामी से, पाप से हमें छुटकारा पाने की बहुत जरूरत है। एक और उदाहरण बोलकर देता हूं, यदि होमोसेक्सुअल लोगों का परसेंटेज अगर देखें, आपको वेस्टर्न कंट्रीज में ये ज्यादा मिलेगा। क्या कारण है? वहां ये पाप नहीं है,
घर में उसको एक्सेप्ट कर रहा है, माता पिता बच्चों में ऐसा स्वभाव है तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, उसके दोस्त के साथ रहने दे रहा है। जब एक देश में इस प्रकार का एक्सेप्टेंस स्वीकृति है वो पाप बढ़ता है। जैसे मैंने बोला है एक ही दोस्त के साथ नहीं, आज 4 दिन एक दोस्त के साथ, इसके बाद छोड़ करके फिर तीसरे को, दूसरे को ले लिया, फिर तीसरे को ले लिया, इस प्रकार वहां का एक्सेप्टेंस के कारण भारत देश में उसकी तुलना में ना के बराबर है। अभी ये कब बढ़ रहा है मालूम है, जो LGBT ऐसे ऐसे जो आंदोलन जब शुरू हुआ, लोग पब्लिक के लिए आना शुरू हो गया, इससे पहले इसके विषय में कोई चर्चा तक करना नहीं चाहते, इस प्रकार इसको एक घृणित काम मानते थे। लेकिन आज, और मैं भी ऐसा हूं, ये बोलने में लोग स्टेजों में आ जाते हैं, हक मान करके मुझे विवाह करना है उन्हीं के साथ, ऐसा अपना हक है ये मान करके, क्या कारण है? कारण यही है विदेश में ऐसा चीजें देखा। एक माँ एक बार मेरे पास काउंसिलिंग के लिए आई, उनका 24 साल का एक बेटा उसके हाथ पैर बांध करके उसके साथ व्यभिचार करते हैं करके, उसका कारण बेटा बोलते हैं वो गलती नहीं है मामा, गलती नहीं है बोलता है, उनको मम्मी ही बुला रहा है, मम्मी के साथ गलत काम करने वाला बोलता है, दिन भर वो ऐसा गंदी फिल्म देखते रहता है, बोलते विदेश में ऐसा होता है, मां के साथ रहता है। इस प्रकार अभी भारत का मां है इसलिए उनको दुख लग रहा है, वो मेरे पास काउंसिलिंग के लिए आई, ऐसे ऐसा है। मैंने बोला उसको पुलिस में कंप्लेंट करो, उसको जेल में करो, ऐसा बेटे घर में नहीं होना चाहिए। तो अनुमति कहां से उसको प्रेरणा मिला? वो विदेश में दे करके, विदेश में दे करके। ऐसे जो घृणित कर्म जो एक्सपोर्ट हुआ है या भारत देश में के अंदर इंपोर्ट हो गया है, उसको लेकर के अनेकों लोग आज मांग कर रहा है, हमें होमो हमारे बीमारी है, हमें विवाह में एक साथ रहना है, एक विचार। अभी इसका परिणाम भी एक और मैं बता करके देना चाहूंगा, इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम फैल रहा है। कुछ वर्ष पहले एड्स HIV बोल करके बहुत हंगामा चलता था, आजकल वो थोड़ा बंद हो गया। इसका मतलब ये नहीं है एड्स नहीं है, लोग एक्सेप्ट कर दिए। HIV जो एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV क्या है वायरस? जैसे हम लोगों को कोरोना वायरस मालूम है, कोरोना वायरस ने कितने लोगों को मार डाला था, उससे बढ़कर के कोरोना वायरस से तो लोगों को मुक्ति मिलता है, लेकिन जिसको ये HIV मिल गया, ये वायरस मिल गया, वो मृत्यु के साथ लेकर के जाते हैं। हाँ, जरूर ट्रीटमेंट के द्वारा थोड़ा लाइफ बढ़ा सकता है, इस HIV का शुरुआत में पता चले गया तो ट्रीटमेंट करते 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 उसको कंट्रोल में थोड़ा बहुत रख सकता है, केवल इतना ही है, उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इस वायरस को कम खत्म करने के लिए कोई मेडिसिन आज तक है नहीं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम वो जो वायरस, उससे जब वो क्या है, हमारे शरीर में कुदरती तौर पर जैसे हम लोग बुखार हो रहा है या जुकाम हो रहा है, क्या है बोल रहे, एलर्जी हो गया, हमारे शरीर में बाहरी बीमारियों को रुकाने के लिए लड़ने के लिए कुछ सेना है, ये बोल सकता है, उसको व्हाइट सेल्स ये भी बोलते हैं, T4 सेल्स जो होता है वो उसको लड़ता है। ये जो वायरस HIV वायरस आकर के इस T4 सेल्स को डैमेज समाप्त करता है, नष्ट करता है, अर्थात हमें कोई भी बीमारी कभी भी आ सकता है, कितना भी इलाज करो उस बीमारी से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, बुखार आए बुखार आते जाएगा, डिसेंट्री होगा, ये सब स्टार्टिंग का है, इसके बाद कैंसर जैसे कोई भी बीमारी आया उसको रुकाने के लिए जो डिफेंस जो इम्यूनिटी जो होना चाहिए वो हमारे शरीर में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का बीमारियां जब शुरू हो जाता है
कुछ वर्षों के लिए हो सकता है, एक दो वर्ष के लिए पता नहीं चल रहा है, या दस वर्ष के लिए भी मुझे पढ़ने के लिए मिला है, एचआईवी है, एसआईवी पॉजिटिव है, लेकिन उसको कोई अन्य बीमारी दिख नहीं रहा है, तो कुछ 8-10 वर्ष तक भी ऐसा खींच सकता है। लेकिन इसके बाद जब बीमारी शुरू हो गया तब हम लोग बोलेगा ये एड्स बीमारी है। ये एचआईवी पॉजिटिव में जो अन्य जो बीमारियां जो शुरू हुआ उसको ही एड्स बोलते हैं। एड्स का मतलब है अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब एचआईवी के द्वारा ये जो हमारा जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो गया, इसलिए कई बीमारियां आने लग गया है, अक्वायर कर रहा है। इस प्रकार अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इस इम्यूनिटी के कमी के कारण होने वाले बीमारियां उसी को ही एड्स कहते हैं। 1970 से लेकर के 1970 से हम लोग इसके विषय में सुनते आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अफ्रीका में इसका फाइंड आउट किया, अमेरिका ने फाइंड आउट किया, अफ्रीका में शुरू हुआ और अमेरिका में आया, अमेरिका से फिर पूरे देश में यह फैल गया। 1981 तक इसका नाम गेयर लेफ्टेड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम था, ग्रिड कहते थे, गेयर रिलेटेड इम्यून डिफिशिएंसी, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ स्त्री स्त्री के साथ जो गलत रिश्ते में रहना उसके द्वारा होने वाले बीमारी। 1981 के बाद इसको ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कह करके, एचआईवी कर करके नाम डाल, जो T4 सेल्स, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है उसको नष्ट करने वाला और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी पावर को खत्म करने वाले ये बीमारी आज हमारे भारत देश में मुझे पढ़ने के लिए मिला है, जो होमोसेक्सुअल लोग है उनका 90% लोग में ये एचआईवी है, एचआईवी पॉजिटिव है। व्यभिचार करने वालों लोगों से ज्यादा होमोसेक्सुअल लोगों में एचआईवी पॉजिटिव ज्यादा है, ये भी स्टडी में निकला है। जो लोग इस प्रकार का जो अवैध रिश्ते में है और आपको ऐसे लोग स्पर्श कर रहा है, आपको उसका गुलाम बना रहा है, आप धीरे धीरे इस एचआईवी बीमारी का, एड्स बीमारी का शिकार होने वाले हैं। मुझे ऐसा कई केसेस मालूम है जो लोग इस प्रकार के रिश्ते में रह करके एड्स का बीमार है। इसलिए इस प्रकार का ये पाप का एक परिणाम, यदि भी उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर सोदोम गोमोरा का विनाश ईश्वर ने किया है, इस पाप के कारण किया है। सोदोम गोमोरा में ईश्वर ने अग्नि बरसाया, गंधरस बरसाया, आज इस भूमि में इस प्रकार का होमोसेक्सुअल इस रिश्ता के कारण एड्स नाम का बीमारी वो गंधरस है। एक व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति जिस जिस के साथ ऐसा रिश्ता रखता है ऐसे सभी लोगों में ये बीमारी फैलता है। बीमारी इस प्रकार के जो गैर रिलेशन, जो पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ ऐसे रिलेशन में ज्यादा लोगों में ये फैल रहा है। और मुझे पढ़ने के लिए मिला है जितना ऐसा पुरुष जो लोग है 90% ऑलरेडी संक्रमित हो चुका है, क्योंकि ये एक के साथ नहीं अनेकों लोगों के साथ ये रिश्ता रखता है। इस प्रकार अनेकों में इस प्रकार का बीमारी फैला दिया। और ये एचआईवी पॉजिटिव वाला किसी ऐसे आदमी से
वो HIV पॉजिटिव बन गया, उसको मालूम भी नहीं है, वो शादी किया, वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया, अपने पत्नी में अपने बच्चों में भी ये बीमारी जाते हैं, क्योंकि एक बार ये वायरस HIV का ये जो वायरस आ गया शरीर में, वो मृत्यु तक उनके शरीर में रहता है, वो खत्म नहीं होता है, उसको नष्ट करने का, खत्म करने का कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए इस क्लास में लेने का मुख्य रीजन यही है, ये बता करके देने के लिए, हमें इस HIV एड्स बीमारी से बचना है और इस प्रकार का गलत संबंध से हमें दूर रहना है। ऐसे जो लोग हमारे समुदाय में बीच में हैं, ये अन्य लोगों को बताने, ये ऐसा आदित्य है, और ऐसे लोगों से अन्य लोगों को सतर्क करना है, बचाना है। विशेषकर मैं बोलूंगा छोटे बच्चे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे, हमारे युवक युवतियां, ऐसे रिश्तों से बचें। ईश्वर ने मनुष्य को स्त्री और पुरुष के रूप में सृष्टि किया है, और वैवाहिक जीवन के द्वारा जीवन के अंत तक एक साथ रहिए। जो प्रभु ने जो हार्मोन हमारे शरीर में दिया है लैंगिकता का, हम अपने वश में रख सकता है। कुछ लोग उसको सांड के माफिक खुला रखा है, वासना के पाप में, गंदगी में, गंदी फिल्म देखने में, गंदी फोटो देखने में, गंदी बात करने में सब ऐसा व्यस्त रखता है। इसका मतलब वो अपना उस लैंगिकता को खुला छोड़ा, वो व्यभिचार में गिरेगा, वो ऐसा ऐसा गंदगी में सब गिरेगा। लेकिन कुछ लोग उस चीज को पाप मानते हैं, अपने उस लैंगिकता को अपने वश में रखते हैं। गलातियों का पत्र दिया है 5:18 से आगे हम लोग यही पढ़ सकते हैं अपने वश में रखने के बारे में। रोमियों का पत्र दिया है 8:13 में और 14 में हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलता है, अपने शरीर को अपने वश में रखना। उसी प्रकार रोमियों का पत्र दिया है 6:13 में, आप अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए अर्पित करो। इस प्रकार अर्पित करेंगे हम इस प्रकार का वासना को अपने वश में रख सकता है। निर्णय कीजिए, यदि अपने जीवन में ऐसा कोई बुराई हुआ है, उसके लिए पश्चाताप कीजिए, उसको घृणा कीजिए और एक अच्छा पाप स्वीकार कीजिए, और अब से ऐसा गलत काम ना करने का निर्णय करें। प्रभु आपको उस बंधन से मुक्ति मिलेगा। यदि जैसे प्रवक्ता ग्रंथ दिया है 6:3-4 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, यदि आप उसको खुला छोड़ देंगे, आपका पत्ता खाएगा, आपका फलों को नष्ट कर देगा। आइए निर्णय कीजिए। इस समय पर ऐसे जितने भी लोग इस प्रकार का जीवन जी रहा है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। और संत पापा फ्रांसिस ने भी पुरोहितों को अनुमति दी है, ऐसे पाप के बंधन में पड़े हुए लोग यदि प्रार्थना मांगते हैं, आशीष मांग रहा है, उनको अपने पाप का गहराई को, जो कुछ वो अपने जीवन में नष्ट कर रहा है, उसके विषय में बताएं और उन्हें आशीर्वाद दें, ताकि इस प्रकार के बुराई से वो बाहर निकल आए। उनके विवाह का आशीर्वाद नहीं बल्कि उस व्यक्ति को आशीर्वाद दे जो पापी, वो दुखी है, वो चोट का आया हुआ है। पुरोहित उनको इस प्रकार के बंधन से, पाप से मुक्ति देने का कार्य करें। हमें भी प्रयत्न करना है, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल में टीचर्स, अपने अधीन आने वाले सभी बच्चों को यह सब सिखाएं, इस प्रकार के गलत रिश्ते से लोगों को बचाएं। एक घृणित पाप है, स्वर्ग राज्य वे नष्ट कर रहा है। निर्णय कीजिए। मैं इस समय पर ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करता, जितने भी लोग इस प्रकार के बंधन में पड़े हैं, पाप के चिंता में पड़े हैं, जितने भी लोग मुझसे बातें की हैं, काउंसलिंग की हैं, उन्हें उस पाप के बंधन से छुटकारा मिले। हरेक व्यक्ति को प्रभु का आत्मा शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे,
जितने भी लोग मुझसे अन्य प्रार्थनाएं भी मांगे हैं, रोगियों को चंगाई मिले, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से उन्हें मुक्ति मिले, हृदय रोगी, कैंसर रोगी, एड्स के रोगी, HIV पॉजिटिव, हृदय रोगी, शारीरिक मानसिक पीड़ाएं सब दूर हो जाएं, बच्चों को पढ़ने का बुद्धि और ज्ञान मिले, हर एक परिवार में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, मिस बलिदान में सब लोग भाग लेने वाला बन जाए, समय समय पर पाप स्वीकार करें, परिवार में शांति प्रेम बढ़ता जाए, समर्पित करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।